अग्निवीर के लिए तो सबसे पहले हरियाणा स्टेट आगे निकल के आई है। बाकी मैंने कहा बेरोजगारी का समाधान तो एक नेशनल कंसेंसस से निकाला जाए, उसमें आप और हम सबका रोल ये भी है कि चाइना ने तो वन फैमिली वन चाइल्ड कर दिया, अब डेमोक्रेसी में ये ऐसी पॉलिसी लागू करना मुश्किल हो जाती है क्योंकि लोगों को साथ लेना पड़ता है। उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसमें सभी कुछ आ गया, अपॉन दी सिचुएशन एमरजेंसी में भर्ती किए जाते हैं, वो तो 30 दिन की ट्रेनिंग 20 दिन की ट्रेनिंग दे के भी उसका हथियार उसको पकड़ा दिया जाता है, वरना 9 महीने की ट्रेनिंग देते थे, अब उसको घटा के 6 महीने की कर दिया। विदेश में 40 दिन की ट्रेनिंग में तैयार कर देते हैं, यानी पहले था कि परेड ग्राउंड सोल्जर्स, अब है वार रेडी सोल्जर्स। बाकी तो ट्रेनिंग चलती ही रहती है, जब तक आदमी रिटायर होता है उसकी ट्रेनिंग भी चलती रहती है। इस 4 साल में भी 6 महीने की तो बेसिक ट्रेनिंग है, उसके बाद उनकी यूनिट्स में ट्रेनिंग ऑन ग्राउंड चलती रहेगी। फौजी की ट्रेनिंग तो मरना और मारना है, देश को बचाना है, वो तो चलती रहेगी, ऑन ग्राउंड ट्रेन होंगे वो। लीडरशिप फौजी लीडरशिप और काच टू डाई फॉर द नेशन, तो ये तो बढ़ चढ़ के लड़ेंगे क्योंकि इन्हें वैसे भी आगे नौकरी फौज की भी करना चाहेंगे और सिविल में भी अच्छे रिकॉर्ड वालों को ही सिविल में लिया जाएगा, हरेक को नहीं, जिसका रिकॉर्ड अच्छा होगा और जो मेडिकली फिट होगा, अगर अनफिट भी हुआ तो उसको हैंडीकैप कैटेगरी। एक बात मैं ये बताना चाहता था, शहीद होने की जो शहीद हुआ उसको 48 लाख रुपए तो बगैर किस्त का बीमा, 44 लाख को बाकी उनकी जो एंगेजमेंट रह रही थी उसके मुताबिक उसकी रेजिडुअल पे, और जैसे कि मैंने कहा सेवानिधि बाद के लिए वो तो है ही। बाकी ये है कि इसमें कोई त्रुटि हो, जैसे जैसे आगे आएंगी रास्ता आता है तो उसमें तरमीम यानी कि अमेंडमेंट भी कर ली जाएगी। युवा असुरक्षित मान रहे हैं, इसका क्या रीजन मान रहे हैं? मैंने बताना युवा असुरक्षित यूँ था कि वो कह रहा था मुझे 4 साल के बाद निकाल देंगे, नौकरी नहीं मिलेगी। हमने कहा ये रही नौकरियाँ, ये कैप्टन साहब अभी दिखाएंगे कि ले भाई मर्चेंट नेवी की तो नोटिफिकेशन आई है, और वो ऐसी नोटिफिकेशन है कि नेवी के अग्निवीर तो मर्चेंट नेवी में ही एब्जॉर्ब हो गया। तो सिविल स्ट्रीम मिल रहा है, पैरामिलिट्री स्ट्रीम मिल रहा है, और फौजी स्ट्रीम, फौज के लिए होता है, फौजी स्ट्रीम का भी ऑप्शन मिल रहा है। मैंने शुरू में कहा भाई अब लड़ाई बदल गई, लड़ाई स्वरूप बदल गई, तो लड़ाई आपको सिविल में भी लड़नी पड़ेगी, स्कूल में भी लड़नी पड़ेगी, बाजार में भी लड़नी पड़ेगी, दर्जी की दुकान में भी लड़नी पड़ेगी, ये हाल हो गया। क्या मुख्यमंत्री बताएंगे या सरकार बताएगी? मैं तो फौजी हूँ, अग्निवीर के बारे में अपनी ओपिनियन दे रहा हूँ। अग्निवीर के वो तो अग्निवीर वाले थे ही नहीं, वो तो अग्निवीर वाले थे ही नहीं, उनको के उतर गए, और वो अग्निवीर के तो काबिल भी नहीं है, ये तो जनरल मलिक ने भी बोला। डिसिप्लिन तो पहली चीज़ है फौज के लिए। ये जो आप कह रहे हैं ये पॉलिटिकल डिसीजन वाली बात कह रहे हैं, वो तो बिहार सरकार जाने और सरकार जाने, मगर मेरा कहने का मतलब ये है कि जो अग्निवीर की भर्ती, अग्निवीर की कारकर्दगी, अग्निवीर का एक एफिशिएंट सोल्जर होना, अग्निवीर की रिहैबिलिटेशन, रेजिमेंट्स की बरकरारी, ये मुद्दे हैं जो है। वो धर्मनिरपेक्ष मुल्क है,
एक मुस्लिम भी इस देश का उतना ही जिम्मेदार नागरिक है जितना के बाकी हिंदू सिख। माननीय गृह मंत्री ने साफ कह दिया कि भाई पैरामिलिट्री फोर्सेज में 10% रिजर्वेशन करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जो सिविलियंस हैं और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जो निगम हैं, यानी कि ये डिफेंस PSUs जैसे बॉम्बे डॉकयार्ड, मजगांव डॉकयार्ड, गोवा डॉकयार्ड, टैंक फैक्ट्रीज, राइफल फैक्ट्रीज, गन फैक्ट्रीज, अमनेशन फैक्ट्रीज, यहाँ भी 10% रिजर्वेशन और डिफेंस सिविलियंस में भी इनको एब्जॉर्ब किया जाएगा। कि आम फौज की ये कंप्लेंट रही है कि हमारी पेंशन को सिविलियन ले जाते हैं, वो सरकार करती है, ये कभी मान ही नहीं रहे थे 370 हट जाएगा, मंदिर बन जाएगा या 3 तलाक दफा हो जाएगा। आप लोगों के सहयोग से, मीडिया पब्लिक के सहयोग से देश आगे बढ़ रहा है। दिक्कतें भी आती हैं, जैसे कोरोना 100 साल में आ गया, तो इन दिक्कतों का मुकाबला करते हुए हमारी परफॉर्मेंस पॉजिटिव है। आपने तो 6-7% अनएम्प्लॉयमेंट का, मैं कहता हूँ हमारी 7.5% ग्रोथ रेट भी है, जो दुनिया में नहीं है कहीं भी। अग्निवीर योजना को रक्षा मंत्री जी ने तीनों सर्विस चीफ के साथ अनाउंस किया था, इस पे बहुत दिनों से काम हो रहा था। यानी रायना कमेटी ने भी 1988 में रिकमेंडेशन दी थी, और करगिल कमेटी जो रिव्यू कमेटी थी उसने भी कहा था कि सेना को चुस्त दुरुस्त और इसकी एवरेज एज यानी यंग रखो, यंग करो, जो दूसरे देशों में सेना की एवरेज एज है, वो कुछ फैक्टर्स की वजह से जवान ज़्यादा है। तो सेना ने भी कार्रवाई की, 2 साल इस पे सोचा, डेलिब्रेशंस की, और फिर इस योजना को लागू करने की अब प्रक्रिया जारी है। एयरफोर्स ने तो नोटिफिकेशन निकाली 3,000 वैकेंसीज के लिए, 2 लाख से ऊपर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, इसका मतलब यूथ ने इसको मान लिया। बात तो अब अग्निवीरों की है, मैं कहता हूँ कि ये तो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट इनको, चाहे रिजर्वेशन हो चाहे वैसे प्रायोरिटी हो, दिया जाएगा, क्योंकि ये ट्रेंड फौजी होंगे और देश के लिए मुफीद होंगे, फ़ायदेमंद होंगे। बाकी जो बेरोज़गारी की बात है उसमें तो आप और हम सब फैक्टर हैं, आबादी का बढ़ना सबसे बड़ा फैक्टर है, कोरोना बहुत बड़ा फैक्टर हो गया, ये इंटरनेशनल सिचुएशन एक बहुत बड़ा फैक्टर हो गया। तो इन सब को मद्देनज़र रखते हुए सबको मिल के सोचना पड़ेगा, जिसको पुलिस भी लेगी, BSF भी लेगी, स्टेट पुलिस भी लेगी और दूसरी मिनिस्ट्रीज भी लेंगी, ताकि एक सिक्योरिटी माइंडेड समाज और सिविल की बाकी नौकरियां वो तैयार की जा सकें, जैसे इजराइल के मॉडल पे। इजराइल में हर एक नागरिक फौजी है, मगर लाजमी सर्विस वहाँ पे 32 महीने ही है। हमारे क्योंकि एक बड़ा ग्रुप है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, 140 करोड़, तो हमने ये स्वैच्छिक बनाया।